अरे वॉचमैन सुनो, ये यहाँ पर पुलिस की गाड़ी क्यों आई थी? पता नहीं सर, मेरठ भैया को खोजते हुए आए थे और आउट हाउस में बहुत जोर जोर से आवाज भी आ रही थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। क्या कह रहे हो इंदर, आउट हाउस में पुलिस? जरूर कोई घटना घटी होगी, चलो चल के देखते हैं। जी बाबूजी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वीरेन, तुमको देखकर कहीं विराट फिर से भड़क ना उठे, ये नाजुक मामला है बाबूजी, और इंदर को ही संभालने दो। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ ना दादाजी और चाचू के साथ। लेकिन जिविका, इस वक्त आउट हाउस जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, और तुम्हें देखकर मान भी इमोशनल हो जाएगी, विराट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी ये बात। एक काम करो, तुम यहीं रुको, हम जाते हैं बाबूजी और इंदर के साथ। आइए। विराट, खाना लेकर आऊं तुम्हारे लिए? मैं देखती हूँ। आप लोग इस वक्त विराट, दरअसल हम देखने आए थे कि यहाँ क्या हुआ है। विराट, हमने सुना कि यहाँ पुलिस आई थी। हाँ दादाजी, आई तो थी पुलिस, पर चली गई, वो मैटर सॉल्व हो गया। लेकिन मानवी, पुलिस यहाँ पर आई क्यों थी, क्या पूछताछ करने आई थी? मैं बताता हूँ। देखिए बात ऐसी थी, मैंने एक जॉब ली थी, एक बच्चे को पढ़ाने की, म्यूजिक सिखाने की। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब आप बताइए मैंने क्या गलती करी इसमें? विराट, तुम्हारी वजह से बहुत शर्मसार है। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि तुम्हारी हरकत की वजह से पुलिस इस घर में आई होगी। अब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? विराट, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस घर का लड़का किसी और के घर में 5,000 के लिए ट्यूटर की नौकरी करेगा। विराट, तू भी कमाल करता है, अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेता। तेरी प्रॉब्लम वीरेन से है ना, मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाचू, बात ऐसी थी कि... जो भी कहना है विराट को कहने दो। देखिए दादाजी, मैंने एक जॉब को जॉब समझ के लिया, ये नहीं सोचा कि छोटी जॉब या बड़ी जॉब। दादाजी, वो लेडी बहुत बदतमीज थी, इसलिए तुम बिना बताए वहां से भाग गए। दादाजी प्लीज, जाने दीजिए ना, हमने हमने पैसे लौटा दिए। नहीं मान, बात यहीं खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ विराट की नहीं, तुम्हें भी बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। हम ये नहीं सह सकते कि हमारे घर की बहू को ये सब सहना पड़े। मानवी, तुम्हें तुम्हें इस हाल में देखकर हमें तकलीफ होती है, प्लीज अंडरस्टैंड। इंदर ठीक कह रहा है मानवी। बेटा बेटा, तुम अपना सामान बांधकर हमारे साथ चलो, इसके दिमाग पर तो भूत सवार हो गया है, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे घर की बहू लोगों की नजरों में बेइज्जत हो। हाँ मानवी, आओ चलो हमारे साथ घर वापस चलो। सॉरी बुआ जी, मैंने आपकी कभी कोई बात नहीं टाली है, पर मैं ये बात नहीं मानूंगी। प्लीज दादाजी, गुस्सा मत होइएगा, लेकिन मेरा पति जब जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे में मैं कैसे उसे अकेला छोड़ दूं दादाजी? लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक विराट का साथ दूंगी, चाहे वो गलती क्यों ना हो। और मेरे हिसाब से पत्नी धर्म भी यही कहता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। पर मानवी, चाचू प्लीज,
मेरी विनती आप लोगों से, मुझे मजबूर मत कीजिए। जीविका, क्या बात है, क्या सोच रही है? कुछ नहीं बिरेन जी, मैं सोच रही थी कितने मजबूर हैं हम, विराट और मानवी इतनी तकलीफ में, इतनी मुश्किलों से गुजर रहे, चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते हम। देखो जीविका, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। जीविका, तुम जानती हो बस ये डर लगा रहता कि कहीं विराट की नादान हरकतों की वजह से और मानवी किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। क्या हुआ पार्टनर, आप क्या सोचने लगे? यही जो दादाजी ने कहा था। मानवी, मुझे लगता है कि तुम्हें वडेरा हाउस वापस चले जाना चाहिए। कब तक मेरे साथ हूँ? विराट, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा हर मोड़ पे साथ दूं। और क्या शादी के वक्त हम दोनों ने कसमें नहीं खाई थी कि एक दूसरे का हर कदम पे साथ देंगे, कभी अलग नहीं होंगे? मामी, एक कसम मैंने भी खाई थी कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, रख पा रहा हूँ। तो विराट, तुमसे किसने बोला कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मेरी जिंदगी में धूप हो या छांव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा खुश हूँ तुम्हारे साथ। चुप, अब एक लफ्ज मत बोलना और जल्दी से अपनी ये पनीर मखनी फिनिश करो, ठंडी हो जाएगी बाबा। एक बार मानवी को कॉल करके बात कर लेती हूँ, आज उससे मुलाकात ही नहीं हुई। एक बार दी से बात कर लो, मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। आज के इस इंसिडेंट्स ने मुझे हिलाकर रख दिया। अरे, दी का नंबर तो बिजी आ रहा है। अरे, इतनी रात को किससे बात कर रही है? चलो एक और बार ट्राई करती हूँ। से बिजी ये लड़की भी ना। मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। मैसेज मैं भी थी। कल सुबह मिलते घर के पीछे वाले बास्केटबॉल कोर्ट में।
8 उठो, 8 बज गए। तो क्या हो गया, 8 बज गए, रोज बजते हैं। अरे पापा तुम्हारा ऑडिशन है आज। ऑडिशन को भी टाइम है। विराट मैं रेडी होने में भी तो टाइम लगता है ना। देखो मैंने तुम्हारा नहाने का पानी गर्म कर दिया, तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए और तुम्हारे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट रेडी है। चलो 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 चलो, उठो उठो उठो, जाओ जाओ जाओ। विराट स्टॉप, जाओ जल्दी। बज गए, दी मेरा वेट कर रही होगी। जी ने सब बताया, घर पर पुलिस आई थी आदि, मैं तो बहुत घबरा गई थी, लेकिन कैसे कैसे करके मैंने बस विराट के सामने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि अगर मैं टूट जाती तो विराट भी बहुत कमजोर पड़ जाता थी। लेकिन खुद समझ नहीं आ रहा था, एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे जैसे पुलिस सच में विराट को पकड़ के ले जाएगी थी। चिंता मत कर मन, तू और विराट घर से अलग होकर रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें तुम दोनों की चिंता नहीं। चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, पूरा परिवार हमेशा तुम दोनों के साथ है। तू घबरा मत, आपके रहते हुए मुझे मुझे कैसे कोई परेशानी हो सकती है। दी वैसे मैं आपको कुछ बताने आई, एक सरप्राइज है। सरप्राइज दी, वो मुझे एक जॉब मिल गया। जॉब? क्या बात कर रही है? किस कंपनी में? कंपनी नहीं थी, एक फ्लावर शॉप में सेल्स गर्ल्स का काम। आप ही ने तो सिखाया ना कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हर काम को अपनी पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। वो काम अपने आप बड़ा हो जाता, मैं भी बस यही करना चाहती हूँ। लेकिन घर पे बैठ के मैं विराट के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, आप भी जानती हैं। तूने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, मुझे तुझ पर गर्व है। ऑल द बेस्ट। लेकिन मनु, विराट को तो पता है ना? नहीं दी, विराट को इसके बारे में कुछ नहीं पता, और अगर उसे पता लग भी गया वो मुझे कभी काम नहीं करने देगा। अरे वो तो घर में ही मुझे कुछ नहीं करने देता है दी, वो अपने कैसे सोच लिया कि वो मुझे कोई जॉब करने देगा। दी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर, घर वालों को या विराट को मेरी इस जॉब के बारे में कभी पता मत लगने देना, प्लीज। ठीक है मैडम, मैं प्रॉमिस करती हूँ जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। ऑल द बेस्ट। नहीं, मैंने बोल दिया ना, 5,000 से कम बिल्कुल नहीं। हम यहाँ धूल बेचते हैं, सड़कों की धूल नहीं। अरे अरे क्या हुआ दिलखुश अंकल? दिलखुश? इसका नाम तो दिल खड़ूस होना चाहिए। तो रूडली बात करता है ये। अंकल अंकल मैं आ गई हूँ ना, मुझे हैंडल करने दीजिए प्लीज, आप शांत बैठिए। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? जी आज रात में मेरे घर में एक पार्टी है, उसी के डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स चाहिए, और ये प्राइस इतना बोल रहे हैं कि इसमें गलत क्या बोला मैंने? दिलखुश अंकल एक मिनट, मैं हैंडल कर रही हूँ ना प्लीज। अच्छा तो आप सारे फ्लावर्स ले जाइए ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ, पर हमारी एक शर्त है, अगर पार्टी में सारे मेहमानों को हमारी की हुई सजावट और हमारे फूल पसंद आए तो आपको हमारी दुकान में वापस आकर उतना ही प्राइस देना पड़ेगा जितना हमारे अंकल ने कोट किया। बोलिए मंजूर है? ठीक है, ऐसी बात है तो डन, मुझे आपकी शर्त मंजूर। अंकल आप इनका एड्रेस नोट कर लीजिए, तब तक बाहर धूप में जितने भी फ्लावर्स हैं मैं अंदर लेके आ जाती हूँ। हाँ बताइए आपका एड्रेस।
एक्सक्यूज मी। हाँ दिनेश, क्या नाम बताया? विराट। लेकिन ये पार्टी में बड़े बड़े लोगों के सामने गा पाएगा? ओके हाँ, तो ठीक है, तू उसे मेरा नंबर दे दे और उसे बोल कि मुझे जल्दी से जल्दी कॉल करे। हाँ इनफैक्ट बोल कि मुझसे अभी मिल भी ले अगर मिल सकता है तो। मैं यहाँ ये सेक्टर 11 मार्केट में हूँ, ये एक फ्लावर शॉप है। ये क्या फ्लावर? फ्रेश फ्लावर्स। हाँ फ्रेश फ्लावर्स। हाँ उसको बोल कि मेरे से अभी हो सके तो मिल भी ले, चल जल्दी कर। ओके यार मैं मार्केट के बाजू में हूँ, मैं भी उनसे मिल लेता हूँ। थैंक्स सर। ओके श्योर, मैं बगल में ही हूँ, मिल लूंगा उससे। थैंक्स यार। थैंक्स दिनेश, बाय। सॉरी मुझे जरा भी पहुंचना है, मैं जल्दी से चलूंगा। ये मेरा कार्ड एंड प्लीज आप पर्सनली सारे डेकोरेशन की जिम्मेदारी देख लीजिए। उसकी आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू। वेलकम। लगता है यही वो सिंगर। हाय, तुम्हारा नाम विराट है? जी, वो दिनेश ने। हाँ मेरी बात हुई थी उससे। जी, मेरा नाम भास्कर संघवी है। मेरे घर में आज एक पार्टी है, तो तुम कुछ गाना वाना अच्छा गा लेते हो? उसकी चिंता आप मत कीजिए। पार्टी कब शुरू होगी? शाम 7 बजे। इस पते पे पहुंच जाना। पहुंचाऊ। चलिए। मिस्टर सांगी ने मुझे खुद फोन किया और कहा कि पूरी फैमिली के साथ ही आना। विरुण बेटा मैं तो नहीं जा सकूंगा क्योंकि आज रात की फ्लाइट से मैं अपनी बहन से मिलने ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। यार आई एम सो सॉरी दादाजी, मैं तो भूल ही गया। वे बात ही बेटा, तुम मिस्टर सांगवी से मिलकर मेरे ना आने का कारण बता देना मुझे और पूरे परिवार के साथ जाना बेटा, क्योंकि मिस्टर सांगवी हमारे क्लाइंट ही नहीं हमारे फैमिली मेंबर है। ऑफ कोर्स दादाजी। आराम। देखो मानवी, अब तुम्हारा प्लास्टर उतर चुका है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अभी आराम करना है, कोई भी भारी चीज नहीं उठानी। ओके मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। अभी मुझे पार्टी की डेकोरेशन के लिए बाहर जाना होगा, पर विराट से क्या कहूंगी, क्या बहाने बनाऊं? मैंने इस प्लास्टर कटवाने के चक्कर में मानवी को पार्टी के बारे में तो बताया नहीं, अभी बताऊं? नहीं नहीं, नहीं। एक काम करता हूँ, पहले पैसे मिल जाए फिर बताऊंगा। विराट कुछ कह रहे हो तुम? कुछ नहीं किसी से नहीं। एक सेकंड, ये लो पानी। विराट तुम अकेले अकेले किससे बात कर रहे थे? मानवी वो क्या है ना, मेरा एक बहुत पुराना दोस्त आया, मुझे उससे मिलना है। यही तो मैं चाहती थी विराट, तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। अब जब तक तुम वापस आओगे उससे पहले मैं अपने डेकोरेशन का काम खत्म करके घर आ जाऊंगी। जाओ ना विराट, तुम्हारा दोस्त आया है, मिलना चाहिए तुम्हें, मैं कैसे रोक सकती हूँ? हाँ पर एक बात और है, वो क्या मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, वो क्या बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ ना इसलिए। कोई बात नहीं विराट, आराम से आओ। अरे मैं कोई ऐसी बीवी थोड़ी ना जो अपने पति के घर देर से आने पर चिल्लाऊंगी। थैंक्स मानवी, वैसे बुरा भी लग रहा है तुमसे झूठ बोल कर जा रहा हूँ, लेकिन पार्टी से लौट कर तुम्हें सच जरूर बताऊं। मैं भी आता हूँ। मैं भी तुमसे ये सच ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा सकती विराट, आज रात को पार्टी से लौटने के बाद मैं तुम्हें अपने नए जॉब के बारे में सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मुझे अभी कोई काम चोरी छुपे करना अच्छा नहीं लगता।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।